मैं उठा ही अभी यार। बड़ा जल्दी उठा तू। अरे आज लेट हो गया यार। सर आ गए। सर आ गए क्या? आ गया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कितने लोग हैं आज? 12 लोग ही हैं सर। अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे सर। ऐसे धीरे धीरे क्यों आते हैं भाई? क्या पता सर, आप लोग वीडियो को ऑन करके ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। ओके सर, वीडियो ऑन रखिएगा अपना। एक बार चेक कर लेते हैं सबको ऑडिबल है कि नहीं। सब लोग यस सर बोलिएगा। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ, अंकित मेहर। हेलो अंकित मेहर। यस सर ऑडिबल है। हेमंत। यस सर ऑडिबल। विनोद। विनोद कुमार। विनोद कुमार नहीं है। सोनू सुथार। सोनू सुथार। इंटरनेट यस सर इनस्टेबल आ रहा है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। आवाज आ रही है अभी? डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। रुकिए दो मिनट, सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इसको। आप लोग अपना ऑडियो को म्यूट करके वीडियो को ऑन कर दीजिए। अभी भी बहुत लोग हैं जिनका ऑडियो ऑन है। कृष्ण पांड्या आपका ठीक है? आप आवाज आ रही है सबको? ललित शर्मा कौन है? ललित शर्मा, ललित शर्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अपना वीडियो ऑन कर दिया है आपने? ठीक है। यस सर। ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट लिख लीजिए, पी। सभी लोग चैट बॉक्स में पी लिखिए अभी। ओके सर। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। पी ओनली सर? हाँ पी सर। पी ओनली पी। ओके सर। यस सर। लिख के छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। सबको पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। हाँ सर अब दिख रही है। ठीक है, टोटल 15 लोग आए हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं 15। आगे और भी ऐड हो सकते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। ठीक है, आधे घंटे की क्लास है तो अभी स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैंने सिलेबस शेयर किया था, लेक्चर प्लान, वो पूरा नहीं शेयर हुआ था। तो आज भी जितना भी बचा हुआ है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स तक मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। अभी इसके बाद है ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। क्या है?
टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम. ट्रांसफॉर्मेशन फेस ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन. उसी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, यहाँ पे जो टी थर्ड वाला टी है वो वही ट्रांसफॉर्मेशन है. और जो टेम्परेचर है आप लोगों को कल मैंने बताया था कि हम टेम्परेचर देते हैं जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो 200 से 400 500 डिग्री सेल्सियस जब जितनी भी रिक्वायरमेंट है हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हम टेम्परेचर देते हैं. तो वो टेम्परेचर आपका फर्स्ट स्टैंड फॉर टेम्परेचर. इसके बाद टाइम मैंने बोला था आपको याद होगा कल मैंने क्लास में ये बोला था कि कितने घंटे के लिए, दो घंटे के लिए रखेंगे, तीन घंटे के लिए रखेंगे. हम क्या करते हैं हम मफल फर्नेस में टाइम सेट कर लेते हैं और टेम्परेचर सेट कर देते हैं. टाइम और टेम्परेचर सेट किया जाता है वो यहाँ पे टेम्परेचर टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन. अब हीट ट्रीटमेंट के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर में, मटेरियल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें है. तो ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम हो गया. बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसके हेल्प से आप मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं. ठीक है. इसके बाद है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स. फोर्थ है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स. यहाँ तक हम मेटेलिक मटेरियल्स की बात करेंगे. इसके बाद नॉन मेटेलिक मटेरियल्स लाइक पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन का मटेरियल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा. तीन तरह के मटेरियल होते हैं. एक तो मेटल होता है, दूसरा आपका सिरेमिक होता है, तीसरा आपका होता है पॉलीमर. तो सिरेमिक और सिरेमिक हो गया और आपका पॉलीमर हो गया, ये दोनों क्या होंगे, दोनों नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. इन दोनों नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ा जाएगा. मेनली पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा जाएगा यहाँ पे और ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है. ठीक है. इसके बाद है फाइनल चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग. हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज की जरूरत पूरे पूरे सभी यूनिट्स में जरूरत पड़ेगी. क्यों, इसीलिए हम पहले एक दो क्लास के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मटेरियल्स की, जैसे कि डक्टिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, सबके बारे में हम पहले पढ़ लेंगे. पर उनकी टेस्टिंग जो होगी, जैसे कि आपका हार्डनेस टेस्ट किससे किया जाता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन से किया जाता है, तो वो मशीन के बारे में हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे कि आपका यूटीएम हो गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हो गया. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का शॉर्ट फॉर्म है यूटीएम. आप लोगों ने सुना भी होगा नाम. तो यूटीएम के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, फटिक टेस्टिंग के मशीन के बारे में पढ़ेंगे. ये सब टेस्टिंग मशीन के बारे में हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. अब फाइनली हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस. सबसे पहले तो मटेरियल साइंस हमें क्यों जरूरत है. मटेरियल साइंस पर, मटेरियल साइंस ब्रॉड है, उसके अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल्स आता है. मटेरियल साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स लगती है. क्वांटम मैकेनिक्स लगती है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. फिजिक्स वाले भी मटेरियल साइंस को पढ़ते हैं. पर हमें जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. ठीक है. तो क्यों मटेरियल साइंस का पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, इंजीनियर्स को क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी डिजाइन करते हैं. जैसे मान लीजिए हमें कोई डिजाइन करना है, शाफ्ट की डिजाइन करनी है, तो शाफ्ट कौन से मटेरियल का होना चाहिए कि हमें जैसे हम शाफ्ट का यूज कहीं किसी भी किसी मोटर में यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो मोटर में यूज कर रहे हैं तो वो शाफ्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए उसका. तो फ्रैक्चर नहीं हो तो कौन से मटेरियल का शाफ्ट प्रेफर करें, कितनी स्ट्रेंथ का मटेरियल. तो मटेरियल के पहले सबसे पहले जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए रहती है मटेरियल के बारे में, कौन सा मटेरियल यूज करना है शाफ्ट बनाने के लिए. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि डिजाइन करने के लिए कितनी डायमेंशन का शाफ्ट चाहिए. शाफ्ट बनाने के लिए दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, एक तो डायमीटर, दूसरा उसकी लेंथ. ठीक है. शाफ्ट सिलिंड्रिकल शेप का होता है. सिलिंड्रिकल शेप के लिए हमें दो डायमेंशन की जरूरत होती है, एक तो सिलेंडर की डायमीटर और दूसरा सिलेंडर का लेंथ. तो पहले मटेरियल डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसकी डायमेंशनिंग के डायमेंशन करते हैं. ऐसे ही डिजाइन होता है. ऐसे ही दूसरे भी आप बात कर सकते हैं. जैसे आप कहें कि प्रोडक्शन में आप कौन से
प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में भी मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए। देखिए जैसे बात करें कि माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जैसे माइल्ड स्टील का ब्लॉक बना रहे हैं, तो उसके लिए ब्लॉक बनाने के लिए टूल कौन सा यूज करें, कौन से मटेरियल का टूल यूज करें जो उसको काट सके माइल्ड स्टील को, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील आपका सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, और आप उसको एल्यूमिनियम का टूल आपके पास है, एल्यूमिनियम से उसको तोड़ोगे, एल्यूमिनियम और ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, तो उसको मटेरियल से उसको काटोगे, उसकी प्रोडक्शन उसका करोगे तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि एल्यूमिनियम उससे भी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, तो वो मटेरियल आपका टूल टूट जाएगा। अगर टूल टूट गया तो वो वर्कपीस तो बनाएगा ही नहीं। इसीलिए जितना हमें जैसे मटेरियल के कहा जाता है कि जो वर्कपीस होता है, जिस मटेरियल का वर्कपीस होता है उससे 50% ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल का टूल होना चाहिए। जैसे माइल्ड स्टील का अगर हमें करना है, प्रोडक्शन करना है, लेथ मशीन में हम काम कर रहे हैं, तो वो टूल होना चाहिए या तो स्टेनलेस स्टील का हो, स्टेनलेस स्टील आपका उससे ज्यादा स्ट्रेंथन है, ठीक है, उससे ज्यादा स्ट्रेंथन मटेरियल का हमें टूल होना है, तो उसके बारे में जानकारी, प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, तभी तो पता कर पाएंगे कि कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है, कौन सा हार्ड मटेरियल, कौन सा स्ट्रेंथन मटेरियल है, किस मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा है, किस मटेरियल की डक्टिलिटी लो है। तो ये सब चीजें हमें जब तक इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा हम प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ में आया सबको? आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कोई भी चीज, आप रेज योर हैंड का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है जूम में, तो कुछ भी आपको समझ में आ जाए तो आप रेज योर हैंड को क्लिक कर दीजिएगा, मेरे पास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल्स अभी दोनों के बारे में बात की, एक तो मैंने प्रोडक्शन से रिलेटेड बात की, दूसरा मैंने डिजाइन से रिलेटेड बात की, तीसरा आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल इंजीनियरिंग। आवाज आ रही है सबको? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। थर्मल इंजीनियरिंग ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग क्यों में क्या मटेरियल्स का यूज है? अब आप जैसे कि अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले बात की थी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और हीट ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो वहां पे आप लोगों को जैसे कि हम थर्मल, जैसे मान लो आईसी इंजन थर्मल पार्ट है, आईसी इंजन का पार्ट है, आईसी इंजन थर्मल का पार्ट होता है, जैसे कि सिलेंडर और पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। बेटा सुमित सोनी बाल मत बनाओ यार बेटा, कॉपी पेन का यूज करो ज्यादा सही है, बाद में बन जाएगा, कॉपी पेन का यूज करें आप, है ना, जो भी चीज बता रहा हूँ मुंह जबानी, देखो ये चीजें जो पीपीटी, जो पीपीटी में जो लिखा हुआ है वो चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो पीपीटी में नहीं है, पीपीटी में आपके पास जो है वो आपको किसके लिए, एग्जाम में लिखने के हिसाब से है, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुसेगी चीजें, इसीलिए बहुत सारी चीजें पीपीटी में ऐसी नहीं मिलेंगी जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है उसको नोट करें ज्यादा सही है ना, ठीक है। वीडियो इसीलिए ऑन रखा है जैसे आप दोनों, हमारा और आपका दोनों के बीच का इंटरेक्शन रहे, जैसे ऐसा लगे कि क्लास बिल्कुल इफेक्टिव वे में चल रही है, ठीक है ना। यस सर, यस इंटरेस्ट आना चाहिए आप लोगों को। 15 मिनट बचे हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसको आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक लेक्चर में जो हमने जो लेक्चर प्लान बनाया आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूंगा, कुछ लेक्चर प्लान में हो सकता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, एक मिनट में देख रहा हूँ। आवाज कट रही है? यस सर, सर वो बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक होती है, बाकी तो आ रही है। अच्छा एक मिनट दीजिए मेरे को। अब आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है अभी? हेलो, अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है, ठीक है। जब भी आवाज ना आए ना मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना है ना। यस सर,
ओके सर। तो थर्मल इंजीनियरिंग में आपको जैसे आईसी इंजन की बात कर रहे हैं, आईसी इंजन पिस्टन मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर, तो वहां पे बहुत ज्यादा पावर रहती है। जब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कांटेक्ट आता है तो उसमें वहां पे टेम्परेचर जनरेट होता है। टेम्परेचर जनरेट होता है तो वो सिलेंडर जो जिस मटेरियल का है वो टेम्परेचर झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है। तो हमें सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का की मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आईसी इंजन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्मल इंजीनियरिंग में भी एग्जांपल दे दिए, थर्मल इंजीनियरिंग में भी इन मटेरियल्स का यूज है, ठीक है। तो ऐसी बेसिकली सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी जितने भी पार्ट्स हैं सब में मटेरियल्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका, ये इंटर रिलेशन है। एक मिनट में एनोटेशन यूज कर लेता हूं। इंटर रिलेशन बिटवीन फोर कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल साइंस। टोटल चार कंपोनेंट होते हैं मटेरियल साइंस में, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रोसेसिंग, और इन तीनों को मिला के फाइनली इसका परफॉर्मेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर सबसे पहले, मटेरियल का स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड अगर आपका मटेरियल है तो उसमें वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका वो क्रिस्टलाइन है कि नहीं है, क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन है, ये इसके बारे में, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक चल रहा है, पहले मटेरियल साइंस होता क्या है। तो जो भी पॉइंट्स हैं जैसे क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, इसको नोट कर लीजिए, आपको नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले डिसाइड होता है, स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर कौन सा है, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बेस्ट सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद उसकी क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग मटेरियल को बनाया जाता है। मटेरियल को बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। हमें हमारा जो मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमें जो मटेरियल मिला है वो आपका डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। अभी हमने बनाया स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग का यूज करके हमने जो मटेरियल बनाया है वो मटेरियल आपका क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। पर हमें क्या चाहिए, ब्रिटल मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए ब्रिटल मटेरियल, तो हम हीट ट्रीटमेंट का यूज करके प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। मतलब डक्टाइल मटेरियल से ब्रिटल मटेरियल बन गया तो मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इन तीनों को मिला के फाइनली हमें क्या मिलता है, परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे मैंने बताया आपको, हमें ब्रिटल कोई भी चीज ऐसा मटेरियल है जिस एप्लीकेशन में डालना है तो वो उसके लिए हमें ब्रिटल मटेरियल की जरूरत है। तो फाइनली हमें ब्रिटल मटेरियल मिल जाएगा तो फाइनली वो क्या देगा, परफॉर्मेंस। तो ये चार इंटरकनेक्टेड, आप इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह भी देख सकते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इफ ए इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, A is thermally equilibrium with B, B is thermally equilibrium with C, and so A and C all are also thermally equilibrium with each other. यही zeroth law of thermodynamics है। तो यही concept आपका material science में भी लगता है, ठीक है, आया समझ में? एक मिनट इसको एरेस कर दूं बेटा। सो अब व्हाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों मटेरियल साइंस की जरूरत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली जो मटेरियल साइंस है वो इनेबल्स द इंजीनियर्स टू सिलेक्ट द मटेरियल फॉर गिवन बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन दैट to select the material for given use based on the consideration of cost and performance. ऐसा material हमें select करना है, ऐसी production हमें करनी है जिसमें हमें performance and cost के दोनों के बारे में discuss कर सकें।
मतलब अगर ऐसा मटेरियल हमने बनाया है, हमने वो परफॉर्मेंस तो दे रहा है पर उसका कॉस्ट ऐसा है कि वो इकोनॉमिक नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम ऐसी चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम दो मटेरियल है हमारे पास, दोनों की रिक्वायरमेंट, एक सस्ता मटेरियल है एक महंगा मटेरियल है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग है तो, और दोनों सेम काम कर रहे हैं तो हम कौन सा यूज करेंगे मटेरियल? सस्ता वाला यूज करेंगे जैसे कि इकोनॉमिक। तो एक इंजीनियर को ये भी पता होना चाहिए कि मटेरियल की क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स, टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ मटेरियल एंड चेंज देयर प्रॉपर्टीज विथ यूज, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि डक्टाइल मटेरियल से ब्रिटल मटेरियल बनाना है तो हमें हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हीट ट्रीटमेंट कौन, एक जब इंजीनियर्स आप बन जाएंगे तो आप क्या एबल टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आल्सो टू बी एबल टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल दैट विल हैव सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कंपोजिट मटेरियल बनाना है, आगे चल के कंपोजिट मटेरियल के बारे में बात करूंगा मैं, हम दो मेटल्स का यूज करके, दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल का यूज करके हम कंपोजिट मटेरियल भी बना सकते हैं। कंपोजिट मटेरियल का एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, बिल्डिंग में जो पिलर्स होती हैं वो कंपोजिट मटेरियल की होती हैं। क्यों बनाई जाती है कंपोजिट मटेरियल? सीमेंट ही सीमेंट, अगर पिलर सिर्फ सीमेंट का होगा तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो आपकी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। उसमें क्या हम चार रॉड लगाते हैं, चार ऐसे लंबी रॉड होती हैं, चार रॉड के साथ आपका वहां पे आपका क्या होता है, सीमेंट होता है, तो उस वजह से आपका वहां पे वो कंपोजिट मटेरियल बन जाता है और हमें जो पिलर मिलती है वो स्ट्रेंथन वाली मटेरियल की पिलर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट मटेरियल। तो हम ऐसे भी मटेरियल बना सकते हैं एज ए इंजीनियर, ऐसे भी मटेरियल, नए मटेरियल बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी हमारे लिए डिजायरेबल है, ठीक है। टू बी एबल टू यूज द मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस, आपका जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ अलॉयस होते हैं, बहुत सारे अलॉयस के एल्यूमिनियम अलॉयस बनते हैं, तो सबके अलग अलग एप्लीकेशंस है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम 2014 एक अलॉय है, आगे चल के बात की जाएगी उसके बारे में। एल्यूमिनियम 2014 अलॉय है, वो आपका यूज होता है एयरक्राफ्ट में यूज होता है, तो एयरक्राफ्ट में यूज होता है तो इसके और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है एल्यूमिनियम 2014, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एयरक्राफ्ट में क्या नीड है, कौन से मटेरियल्स की नीड है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और वही प्रॉपर्टीज और कौन से एप्लीकेशन में यूजफुल है, वो कैसे पता चल पाएगा। जैसे हम एक इंजीनियर, एज ए इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, हमें मटेरियल्स के बारे में जानकारी होगी तभी हम उसके बारे में पता कर सकेंगे, ठीक है। आया समझ में? नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया था, हाँ किसी को डाउट है बेटा? अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं वो डाउट, फिर आगे चल के वो डाउट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? कट रही है? नेट की बड़ी प्रॉब्लम है सर। अब आ रही है आवाज बेटा? अब आवाज आ रही है? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स रोज चेक करता हूं और उसमें जो भी कमेंट्स हैं वो आप मैं देखूंगा और उसमें जो भी आपका डाउट होगा मैं पढ़ूंगा और आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसमें कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो मेटल होता है, दूसरा सिरेमिक्स होते हैं, तीसरा पॉलीमर्स होते हैं और ऐसे स्पेशल मटेरियल्स भी होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, बायो मटेरियल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। मेनली हमें आवाज नहीं आ रही है बेटा? सर आवाज नहीं आ रही,
आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ हाँ देखते हैं बेटा देखते हैं। सर बिल्कुल ही नहीं आ रही अब तो आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सर नेट की बड़ी प्रॉब्लम आ गया। मैं बेटा देख रहा हूँ अभी। हेलो हेलो आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके यस सर अब आ रही। पीपीटी दिख रही है? यस सर ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो तीन तरह के क्लासिफिकेशन मेनली होते हैं वो है मेटल्स, दूसरा सिरेमिक, तीसरा आपका हो गया पॉलीमर्स। ठीक है, इन्हीं से ही मिलके हम अलग अलग मटेरियल बनाते हैं। जैसे बायो मटेरियल्स भी हम बनाते हैं तो वो बायो मटेरियल्स आपका कंपोजिट मटेरियल भी हो सकते हैं, पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, सबके बारे में, कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मेटल्स क्या होते हैं? दो तरह के मेटल्स होते हैं, एक तो फेरस, दूसरा नॉन फेरस। आवाज आ रही है बेटा? विश्वजीत की तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है। विश्वजीत प्लीज माइक ऑफ कर। हाँ विष्णुजीत माइक ऑफ कर दीजिए आप अपना। अब क्लियर है? यस सर अब क्लियर है। ओके ओके, तो मेटल्स दो तरह के होते हैं, एक तो फेरस मेटल, दूसरा नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल्स में आयरन प्रेजेंट रहता है इसलिए उसका नाम फेरस मेटल्स रखा गया, और नॉन फेरस मेटल्स में आयरन प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनको हम नॉन फेरस मेटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, मेटल्स होते क्या है? ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गिव अप करके और मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का गिव अप करके मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनको अपन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को बाहर निकाल के मेटेलिक बॉन्ड बनाने वाले मेटल्स को हम मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो और अगर इसमें जैसे लिखा हुआ है पीपीटी में, एक मिनट दीजिए आप मेरे को, जैसे कि पीपीटी में लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर प्योर मेटल्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मेटल दोस प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोस द ओरिजिनल मेटल्स इट इज कॉल्ड एन अलॉय। अलॉय क्या कहलाते हैं, अगर दो मेटल्स को अगर जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दो अलग अलग मेटल्स हैं, दोनों नॉन फेरस मटेरियल्स हैं वो एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, अगर दो मेटल्स को हम मेल्ट करेंगे साथ में और दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करके एक नया हम मेटल बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अलॉय। उसको क्या कहते हैं, अलॉय। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का डेंसिटी वैसे ही कम होता है, अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी को और कम करना है, तो हमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय बनाते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय। क्यों अलॉय, उसका डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम की डेंसिटी उससे भी एल्यूमिनियम से भी कम होती है। तो हम क्या, जब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, अलॉयज बनाते हैं। आज की डेट में प्योर मेटल बिल्कुल यूज नहीं होता है, अलॉयज ही यूज होते हैं आजकल पूरी इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे आप जैसे कह सकते हैं कि जो आईसी इंजन में जो आपका सिलेंडर होता है वो कास्ट अलॉय का होता है, वो भी अलॉय मटेरियल है। ठीक है, तो मेटल्स अलग चीज है, वो प्योर मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के मेटेलिक बॉन्ड जो बनाते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं, उनको हम प्योर मेटल्स कहते हैं। अगर दो प्योर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा प्योर मेटल्स को लिक्विड करके, उसको हम मेल्ट करके अगर एक मिक्स कर देते हैं, वो एक नया मेटल बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। ठीक है, मेटल पजेसेस द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको मेटल में आपको प्लास्टिसिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा। सम फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल आर ऑल्सो देयर, जैसे कि हार्डनेस भी आपके मेटल में भी अच्छी रहती है, और कोरोजन, जो कोरोजन क्या कहलाता है, सबको पता है कोरोजन क्या होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जैसे भी जो भी जैसे लोहा है, लोहा में जंग लगता है, लोहे में जंग क्यों लगता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। जब भी लोहे को एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर लेता है, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। मतलब उस जो उसमें जो जंग लगी है लोहे में, उसको लोहे में जंग लगने को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो हम क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, तो दो मेटल्स को के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, अगर उसमें कोरोजन रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए रहता है जो कोरोजिव रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस मतलब उसको रोक सके, कोरोजन को रोकने वाली चीज को अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, और मेटल्स ऐसे होते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, कंपेयर टू सिरेमिक एंड पॉलीमर्स। मेलियबिलिटी और स्टिफनेस, इनके बारे में आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें मेलियबिलिटी आता है, स्टिफनेस आता है, डक्टिलिटी आता है, स्ट्रेंथ आता है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज क्लास हो चुकी है 12:30 बजे तक थी, तो 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिरेमिक एंड पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करके, फिर हम किसके बारे में डिस्कस, कल हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे सर। कोई भी डाउट हो बेटा चैट बॉक्स में लिखिए, और एक और काम है, अभी कोई छोड़ेगा नहीं,
आप सब लोग चैट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट दे दीजिए, पी लिख के प्रेजेंट दे दीजिए। ओके सर। सर जी बेटा किसी को डाउट है? हाँ सर, वो बुक बता दो सर। हाँ बुक में बता रहा हूँ बेटा, सबसे मेन बुक है मटेरियल साइंस की। ऐसा करूँ मैं गूगल क्लासरूम में लिख लेता हूँ बुक के बारे में, ठीक है? दूसरी क्लास होगी आपकी गूगल। आज मैं अभी गूगल क्लासरूम में आपको दो चीजें शेयर कर रहा हूँ, एक तो बुक कौन सी बुक प्रेफर करनी है आपको, और दूसरा मैं आप लोगों के साथ लेक्चर प्लान शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है? सर आपने क्लासरूम तो डिलीट करवा दिया था ना सर? क्लासरूम नहीं, एक सर ने बनाया, सूरज सर ने बनाया, उसमें मैं ज्वाइन हूँ, ठीक है? उसमें शेयर करूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।